पूरे प्रदेश में जो वंचित शोषित हैं, अति पिछड़े अति दलित अल्पसंख्यक हैं, उनको घूम घूम करके हम लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं बिहार में भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो तभी से अपने शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ाई। अभी तक देश में दारू मुर्गा पैसे परूट लेकर के नेता इन लोगों को कुछ दिया नहीं, सिर्फ गुमराह करके इनको रखा है। इस नाते इनको जागृत करते हैं कि जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी तब तक आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हो सकते हो। जब आप में शिक्षा होगी तब आप सब कुछ समझ सकते हो। इलाज के लिए सारी योजनाएं बनी है, उसका लाभ न तो नेता बता रहा है न इनको जानकारी है, तो उसकी भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपए का, उसका लाभ आप लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने हर विधायक को 25 लाख रुपया अपने अपने क्षेत्र में विधायक निधि से गरीबों के इलाज के लिए कानून बनाया है, उसकी जानकारी मैं पूरे प्रदेश में घूम के देख रहा हूँ कहीं नहीं है, तो उसका भी लाभ नहीं गरीब ले पा रहा है। जो आज की तारीख में जो बिजली का बिल आया हुआ है लोगों के पास 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, उसमें 100% ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो जोड़ा था वो 100% माफ हो गया है, तो इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि लोग इसका लाभ लें। और आज दो प्रदेश हैं, दिल्ली और पंजाब, घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। आज गुजरात हो, बिहार हो, पांडिचेरी हो, वहाँ शराबबंदी है, तो फिर पूरे देश में शराबबंदी क्यों? इस बात को लेकर के हम लोगों को जागृत करते रहते हैं और लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कल मायावती जी का एक बयान आया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इससे जो है आप लोगों के गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा और विपक्षी गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, प्रदेश और देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। आज जो पिछली सरकार सपा की थी उस सरकार को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते थे, गुंडा की सरकार। आज कानून का राज है। आप उठा के देखिए, 7 साल हो गया योगी आदित्यनाथ जी को, एक भी दंगे नहीं, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। जो भी योजनाएं बन रही है गरीबों के लिए, चाहे दिल्ली से हो चाहे लखनऊ से, वो गरीबों के दरवाजे तक पहुंच रही है। आप जैसे किसान सम्मान निधि की बात देखिए, सीधे खाते में जा रहा है, बैंक से बैंक के खाते में, किसान के खाते में जा रहा है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। जब बिचौलिए परेशान है, सपा बसपा कांग्रेस के जमाने में जो बिचौलिए थे वो बिचौलिए परेशान है। और जनता में जो स्थिति है, छिटपुट घटनाएं तो हो रही हैं, हम भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर आज लोग अमन चैन से हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, और लोगों की बात थाने तक जो जा रहा है उसकी बात लोग सुन रहे हैं, उसकी समस्या का निदान हो रहा है। मुख्यमंत्री भी एक्टिव है, हम सब लोग जहाँ जहाँ अपने अपने क्षेत्र में जो विधायक हैं अपना लगे। जैसे गठबंधन आप लोगों का है तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारा जो NDA गठबंधन है उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेगा, और हम लोग 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और सभी 38 दल के लोग थे, सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग 400+ सीट जीतने के लिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हम लोग अपना जो भी जनाधार अपना है वोटर है उसको तैयार किया जाए, जो योजनाएं गरीबों के लिए उत्थान के लिए बनी है उस योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जाए। राम मंदिर का जो है 22 तारीख को होने जा रहा है प्रोग्राम, तो क्या कहेंगे आप उसमें? उसमें निमंत्रण मिला हुआ है, हम भी जाएंगे, पूरी पार्टी जाएगी, और उसकी तो तारीख तय हो गई। आपको मंत्री पद देने के लिए कौन सी तारीख तय होगी? ध्यान रखिए, आपकी भावना की कदर की जाएगी, 22 बीत जाने दीजिए, 22 के बाद जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी।